देखिए एक बात तो आप लोगों को माननी ही पड़ेगी, अगर आप लोगों से कोई बोले कि आप लोगों को जोक सुनाने हैं वो किसी दूसरी लैंग्वेज में, या फिर आप लोगों को बोले कि जोक सुनाने हैं आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में, तो आप लोगों को किस लैंग्वेज में मजा आएगा? तो आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में मजा आएगा। वरना अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में जोक सुनाए जाएंगे तो खुद ही इंसान जोक बन जाता है कई बार, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन जो होता है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो समझ में नहीं आती है। तो इसी तरीके से आप लोगों को अलग अलग लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस समझ में आता है जब बात की जाती है उस लैंग्वेज के बारे में, कि किस तरीके से उस लैंग्वेज को ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रमोट किया जा रहा है, किस तरीके से हर एक कंट्री अपनी अपनी लैंग्वेज पर फोकस देकर चलती है। वर्ल्ड में आप लोग कहीं भी चले जाइए, अपनी लैंग्वेज को लेकर हर एक कंट्री बहुत ज्यादा सजग रहती है और उसको प्रमोट करने की कोशिश करती है। खासकर अगर खुद की कंट्री में बात की जाए तो वो कंट्री मैक्सिमम काम अपनी खुद की लैंग्वेज में करते हैं। पर लेकिन हमारे यहाँ ये डिस्कशन काफी अलग तरीके का चलता है कि कौन सी लैंग्वेज हम लोगों को ज्यादा फोकस करके चलनी चाहिए, कौन सी कम, और ये आजादी से पहले का ही डिस्कशन है। जब हमारा संविधान बनाया जा रहा है तब से लेकर आज तक यही डिस्कशन चलता हुआ आ रहा है कि कौन सी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो हमारी पूरी कंट्री को एक सूत्र, एक धागे में बांध सकती है। तो आज हमारा टॉपिक भी कुछ कुछ ऐसा ही इसी से मिलता जुलता रहने वाला है। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में। यहाँ पर हमारा पूरा फोकस हिंदी पे रहने वाला है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरी चीजें यहाँ पर डिस्कस नहीं की जाएगी। और क्या क्या कवर करूंगा इस टॉपिक के अंदर, पहले तो हम लोग जानेंगे वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के बारे में, आखिर कहां से निकल कर आई, शुरुआत कहां से की गई थी इस कॉन्फ्रेंस की, डिटेल में जानेंगे थीम क्या है और अब की बार कहां पर ये वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके बारे में जानेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है यूएन की, और हिंदी को भी यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के ऊपर जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि हमारी इंडिया में इसके बारे में क्या क्या बातें बोली जा रही है। ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, जी हाँ ये भी आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगा कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज आज की डेट में कौन सी है। और इसके अलावा वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को लेकर कौन कौन लोग कहते हैं कि ये सही नहीं है और क्या क्रिटिसिज्म करते हैं वो भी आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। तो काफी शानदार यहाँ पर लेक्चर रहने वाला है, आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन उनके लिए जो इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो अगर आप लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर डेली करंट अफेयर की वीडियो आती है जिसमें करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है ऑल इंडिया रेडियो, PIB, अलग अलग न्यूज़पेपर के सेक्शन से, और इसके अलावा क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाते हैं और यहाँ पर गाइडलाइन भी आप लोगों को दी जाती है कि कैसे आप लोग एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि कोई भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर है तो आप लोग इस चैनल से फ्यूचर में कनेक्ट रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो अब की बार हो रही है ये मॉरिशस में हो रही है। तो सबसे पहले आप लोग लोकेशन देखिए ताकि आप लोग आगे एक अच्छी कनेक्टिविटी बना सके। ये हो गया हमारा प्यारा भारत। अगर आप लोग लोकेशन बीच में देखेंगे, इसको थोड़ा जूम करके अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ये इंडियन ओशन है, अरेबियन सी ऊपर हो गया, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हो गया यहाँ पर मॉरिशस, ठीक है ना। री यूनियन आइलैंड किस कंट्री का आइलैंड है ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पर ये आप लोग मॉरिशस देख सकते हैं इंडियन ओशन में। तो यहाँ पर अब की बार की ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है, जो कि 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है। और इसके अलावा जो डेट है यहाँ पर टाइम, ये होने वाली है 18 अगस्त से 20 अगस्त 2018 तक। सीधा सीधा बात क्या है, क्यों ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है, किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए होती है। और यहाँ पर पर्पज क्या है कि किस तरीके से हम लोग हिंदी को एक ग्लोबल लैंग्वेज बना सकते हैं। हालांकि ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, यहाँ पर 11th कॉन्फ्रेंस है और हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ऑलरेडी इस पर बहुत सारे काम कर रही है, ऑलरेडी यहाँ पर इसको वर्ल्ड पटल पर ले जाने की कोशिश कर रही है। आगे बढ़ने से पहले एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए और है यहाँ पर कि देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोग देखेंगे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिजी, मॉरिशस, इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा सिंगापुर, कुछ ऐसे एरिया है जहां पर हिंदी को काफी फोकस दिया जाता है। तो ये कुछ एरिया है जिनके बारे में हल्की सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के होनी चाहिए। अगर बात करूं यहाँ पर थीम की, अब की बार की जो थीम है यहाँ पर ये है हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति। तो यहाँ पर हिंदी को किस तरीके से हम लोग विश्व में ले जा सकते हैं और भारतीय संस्कृति को किस तरीके से वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर यहाँ पर फोकस दिया जाना है। और वेन्यू में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पर यह है मॉरिशस, पर लेकिन अगर आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहते हैं तो यह है पेल्स। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर यह पता होना चाहिए मॉरिशस में रुपी यूज किया जाता है, जी हाँ जिस तरीके से इंडियन रुपी है इसी तरीके से मॉरिशस में भी एक खुद का रुपी यूज करते हैं। और कैपिटल अगर यहाँ पर देखे आप लोगों को देखने को मिलेगी पोर्ट लुइस। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को इसके बारे में पता होनी चाहिए, क्वेश्चन बन सकते हैं थीम से, तो नॉर्मली क्वेश्चन बन ही जाते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कॉन्फ्रेंस वगैरह कहाँ पर हो रही है। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जानते हैं, कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कब से की गई थी। तो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ये फर्स्ट टाइम ये आप लोगों को देखने को मिलेगा वर्धा महाराष्ट्र 1973 में स्टार्ट की गई थी और फर्स्ट टाइम नागपुर में आप लोगों को देखने को मिली थी 1975 में। तो यहां से इसका कॉन्सेप्ट रखा गया था कि हाँ ऐसे करना है 1973 में, और 1975 में आप लोगों को ये फर्स्ट टाइम देखने को मिली थी नागपुर में।
इसके अलावा एवरी थ्री ईयर, तो एक टाइम पीरियड यहां पर रख रखा है, पर लेकिन कई बार ज्यादा टाइम भी आप लोगों को बीच में देखने को मिलेगा। मिनिमम तो थ्री ईयर तो यहां पर ही है, ठीक है, कि तीन साल में देखने को मिलेगी। इसके अलावा टाइम जो है एक्सटेंड भी होता रहता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की सिचुएशन और लोकेशन क्या है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई जाती है कॉन्फ्रेंस। ये इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री कई बार आप लोगों से पूछी जाती है क्वेश्चंस में कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज करा रही है। एम तो सीधी सीधी बात है कि किस तरीके से वर्ल्ड में हम लोग हिंदी को वर्ल्ड पटल पर रख सकते हैं, मतलब हिंदी को भी एक वर्ल्ड लेवल की लैंग्वेज बना सकते हैं, उसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें इंडिया में, ये इवेंट अब तक तीन बार होस्ट किया जा चुका है, तो हल्का सा आप लोग एक बार देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हुआ है। फर्स्ट टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा ये 10 से 12 जनवरी 1975 नागपुर इंडिया, इंडिया तो आप लोगों को याद रखना ही है। दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा फिर ये कहां पर हुआ था, पोर्ट लुइस मॉरिशस, तो मॉरिशस में हो चुका है ऑलरेडी पहले। और इसके अलावा फिर इंडिया में हुआ ये, इंडिया में हुआ फिर कब, ये हुआ इंडिया में फिर हुआ ये 1983 में, फिर मॉरिशस में हुआ, मॉरिशस में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो देखने को मिलेगा आप लोगों को इंडिया में भी तीन बार हो चुका है और मॉरिशस में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये थर्ड टाइम है। लास्ट वाला जो 2015 में हुआ था वो भी इंडिया में हुआ था। इसके अलावा ज्यादा आप लोगों को याद रखने की जरूरत है नहीं, मॉरिशस और इंडिया के बारे में तो मिनिमम आप लोगों को पता ही पता होना चाहिए, ओके। और इसके अलावा अगर ज्यादा से ज्यादा आप लोग याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं यहाँ पर, यह है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 2007 में न्यूयॉर्क में हुआ था, जो कि 8th नंबर की कॉन्फ्रेंस थी। तो ये कुछ मोटा मोटा सा आप लोगों की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिनके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी काफी इंटरेस्टिंग और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के सामने। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो टॉप थ्री और टॉप फोर लैंग्वेज आप लोगों से अगर पूछी जाए तो सबसे ज्यादा है हिंदी जो है फोर्थ नंबर पर है, उससे पहले कौन है, मंडारिन, ये चाइनीज लैंग्वेज भी आप लोग बोल सकते हैं। चाइनीज लैंग्वेज काफी टफ मानी जाती है, उसका सिंप्लीफाइड जो वर्जन है मंडारिन, तो यहाँ पर वो देखने को मिलेगा आप लोगों को। स्पेनिश और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पर हम हिंदुस्तानी लैंग्वेज माने, ना कि हिंदी, हिंदुस्तानी लैंग्वेज में आप लोगों को उर्दू भी यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखेगी यहाँ पर, ठीक है, जो लैंग्वेज हमारे यहाँ पर एक नॉर्मल बोली जाती है। आप लोग अपनी खुद की लैंग्वेज भी देखेंगे तो प्योर हिंदी नहीं बोलते हैं हम लोग, एक मिक्स लैंग्वेज बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड अलग अलग लैंग्वेज से आप लोगों को देखने को मिलेगा। और हिंदी और उर्दू तो काफी सारे वर्ड हमारे यहाँ पर मिक्स है, तो इस तरीके जो कॉमन लैंग्वेज होती है उसको हिंदुस्तानी बोलते हैं। तो अगर हम हिंदुस्तानी लैंग्वेज को काउंट करें तो हमसे ऊपर ओनली मंडारिन और इंग्लिश है, स्पेनिश से ऊपर आप लोग देखने को मिलेगा यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं थर्ड नंबर पर सबसे ज्यादा जो बोले जाने वाली लैंग्वेज है, तो ये आप लोग देखते हैं वो कौन सी आ जाती है, वो आ जाती है हिंदुस्तानी। तो इस तरीके से भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, ओके। अब थोड़ा यूएन के बारे में जानते हैं। अगर हम लोग यूएन के बारे में यहाँ पर देखेंगे तो देखिये यूएन में 6 लैंग्वेज ऐसी हैं जो कि यहाँ पर यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके बारे में कई बार आप लोगों से पूछा जा चुका है। अरबिक देखने को मिलेगी, इंग्लिश, फ्रेंच, मंडारिन, जो चाइनीज है, सिंप्लीफाइड चाइनीज आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा रशियन और स्पेनिश, ये लैंग्वेज है जो कि यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री भी यही चाहती है कि यहाँ पर 7वां नंबर जो है वो इंडिया का लग जाए, पर लेकिन इसका जैसे नाम लिया गया कि 7वां नंबर इंडिया का लग जाए, काफी सारे क्रिटिसिज्म देखने को मिलने लगे। आखिर क्रिटिसिज्म क्या थे, क्रिटिसिज्म ये थे कि यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने बोला कि हम लोग इतना फोकस कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हिंदी जो है वो यहाँ पर यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए। तो देखिए जैसे यहाँ पर बोला गया, तो सबसे पहले तो अगर वर्ल्ड लेवल पर हम लोग बात करें तो बहुत कम कंट्री ऐसी है जो हमको ये काम इस काम में सपोर्ट करती हुई नजर आती है, क्योंकि अगर किसी लैंग्वेज को यूएन की लैंग्वेज बनाया जाता है तो बहुत सारा खर्चा आता है वहां पर, और वो खर्चा जो भी आता है वो सारा वर्ल्ड की जो लैंग्वेज, जो वर्ल्ड की दूसरी कंट्री है जो यूएन का पार्ट है, वो उनको झेलना पड़ता है। तो इसीलिए यहां पर मैक्सिमम कंट्री क्या चाहती है कि अगर कोई नई लैंग्वेज आ रही है तो वो आ तो रही है किसी दूसरी कंट्री की लैंग्वेज, तो वो क्यों उसका खर्चा उठाएं। तो इसलिए काफी सारी कंट्रीज को अपोज करती हुई नजर आती है। और बाहर की कंट्री तो आप लोग छोड़ दीजिए, पहले अपनी कंट्री की बात कर लेते हैं। हमारी कंट्री में इतनी सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो हमारी कंट्री में अगर हिंदी को बात करते हैं हम लोग, हमारी खुद की कंट्री में सब हिंदी नहीं बोलते हैं, तो उसके ऊपर भी काफी क्रिटिसिज्म होता है। ये बोला जाता है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट आप लोग देखें टाइम टू टाइम, वो हिंदी को बढ़ावा देती है, मतलब सदर्न इंडिया में अगर आप लोग जाएंगे अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो इसीलिए कई बार ये बात देखने को मिलता है कि दूसरी लैंग्वेज को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं और हिंदी पर ज्यादा फोकस देकर चल रहे हैं। तो जब यहाँ पर सुषमा स्वराज जो कि हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं आज की डेट में, इन्होंने बोला कि हम लोग हिंदी को वर्ल्ड पटल पर रखने जा रहे हैं, तभी यहाँ पर शशि थरूर जी और भी कई सारे जो पार्लियामेंटेरियन थे साउथ इंडिया से, उनकी सीधी सीधी ये बात निकल कर आई कि आखिर हिंदी ही क्यों और लैंग्वेज क्यों नहीं, तो ये बात निकल के आती है। और हमारे संविधान में भी आप लोग देख सकते हैं बहुत लंबे समय से इस पर डिस्कशन चलते हुए आ रहे हैं कि हिंदी को हम पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, पर लेकिन जो सदर्न इंडिया है उसमें तभी जब बात आती है हिंदी को आगे बढ़ाने की, तभी सदर्न इंडिया से कई सारी अपोजिशन निकल कर आती है और बोलते हैं कि हिंदी ही क्यों। इवन बोलते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों के लिए
अब मतलब नॉर्थ इंडिया के लिए जिस तरीके से हम लोग देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज है, उसी तरीके से साउथ इंडिया के लिए बोलते हैं हमारे लिए हिंदी लैंग्वेज है, हमारी समझ में नहीं आती है काफी हद तक। तो इसीलिए कई बार क्रिटिज्म इंटरनल कंट्री से भी निकल के आते हैं, बाहर की कंट्री तो यहां पर दूसरी बात हो गई। तो जो 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस यहां पर होने वाला है तो क्या क्या फोकस रहने वाला है, सबसे पहले तो ये है कि किस तरीके से हम लोग हिंदी को प्रमोट कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से, क्लासिकल हिंदी भी और जो हम लोग मॉडर्न एलिमेंट जो भी हिंदी में ऐड हुए हैं वो भी सब, मतलब आज की डेट की जो लैंग्वेज है क्लासिकल लैंग्वेज है जो प्योर हिंदी आप लोग बोल सकते हैं, दोनों को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। डेलीगेट्स मिलते हैं, अलग अलग स्कॉलर मिलते हैं, वो डिस्कशन करते हैं वर्ल्ड के लेवल पर और गाइडलाइन तैयार करते हैं कि किस तरीके से हिंदी को हम लोग ग्लोबल पटल पर ले जाकर रख सकते हैं और किस तरीके से इसको प्रमोट कर सकते हैं। एम सीधा सीधा ये रहना है कि आने वाले टाइम में हिंदी को यूएन में भी प्रमोट करना है, यानी कि यूनाइटेड नेशन में प्रमोट करना है। आप में से कितने सारे स्टूडेंट सहमत हैं कि हिंदी जो है वो यूएन की लैंग्वेज होनी चाहिए? अगर सहमत है तो वाई, यानी अगर सहमत है तो यस लिखिए, अगर सहमत नहीं है तो नो लिखिए। ये आप लोगों को आंसर देना है। मैं भी तो देखूं कि आप लोग कितना चाहते हैं कि कितने लोग हिंदी को सपोर्ट करने वाले हैं जो कि हमारा लेक्चर देख रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सपोर्ट किया जाए तो यस लिखिए, अगर नहीं चाहते हैं नहीं सपोर्ट किया जाए तो आप लोग नीचे लिख सकते हैं नो। ओके, इसके अलावा जो यहाँ पर एक तरीके का वो नहीं होता है कि फ्रेमवर्क तैयार करा जाना है कि कैसे हम लोग प्रमोट करेंगे, तो वो है बॉलीवुड मूवीज। देखिए हमारी जो बॉलीवुड मूवीज हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड देखी जाती हैं और वो खासकर हिंदी में आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से कि हम लोग हिंदी को एक तरीके से बॉलीवुड मूवी का सहारा लेकर प्रमोट करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि नाच गाना बजाना जो भी डायलॉग डिलीवरी होती है वो सारी चीज़ें लोगों के मन में एक इंटरेस्ट क्रिएट करती है। तो इस तरीके से अगर उस फॉर्म में उसको हम लोग प्रमोट करेंगे तो वो काफ़ी आसान रहेगा। तो यही बात की जाती है यहाँ पर, जब बात आती है यहाँ पर बॉलीवुड मूवी के थ्रू बोला जाता है कि हम लोग हिंदी को प्रमोट करेंगे, तो ये काफ़ी शानदार आप लोग मूव बोल सकते हैं और काफ़ी आसान बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को इंटरटेनमेंट की फॉर्म में प्रमोट करना सबसे आसान रहता है, उसमें इंटरेस्ट बना रहता है। आप लोग खुद देख लीजिए, आप लोगों को एक साइड में बोला जाए कि कपिल शर्मा का आप लोगों को कोई शो देखना है या फिर कोई भी फनी वीडियो देखनी है, आप लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू अगर एजुकेशनल वीडियो आप लोगों को देखनी पड़े, क्योंकि आप लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं ये रहता है कि यार एजुकेशन जो है ना यार हमको पढ़नी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा, वहां क्या है आप लोग सोचते हैं कि इंटरटेन करना है, पर लेकिन आप लोग अपनी थिंकिंग थोड़ी यहां पर चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग एजुकेशन को इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगे तो यहां भी आप लोगों को इतना ही इंटरेस्ट आने लगेगा, पर लेकिन थोड़ा सा एफर्ट आप लोगों को डालना पड़ेगा और इंटरेस्ट यहां पर लेना पड़ेगा। तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अपनी एजुकेशन को कितना ज्यादा इंटरेस्ट के वे में देखते हैं। ओके, तो यहां पर पूरा फोकस बॉलीवुड की मूवी पर रहने वाला है, किस तरीके से हम लोग ग्लोबल लेवल पर रीच बना सकते हैं अपनी हिंदी लैंग्वेज की बॉलीवुड मूवी के तहत। आप लोगों को कंफ्यूजन में डाला जा सकता है, यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है, तो ये पॉइंट नोट आप लोग कर सकते हैं। यहां पर वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो आपकी बार आप लोगों को 11th देखने को मिल रही है, तो वर्ल्ड हिंदी अगर सेक्रेटरिएट की बात करें ये आप लोगों को मॉरिशस में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन बन सकता है। पर लेकिन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन क्या है, ना तो मॉरिशस गवर्नमेंट की आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रमोट करती है, ना ही उनकी वेबसाइट पर आप लोगों को हिंदी देखने को मिलेगी। मतलब कहने का ये, अगर वेबसाइट भी आप लोग जाएंगे तो वहां पर इंग्लिश और फ्रेंच बोला जाता है, मेंशन किए रखी है लैंग्वेज जो कि मॉरिशस में प्रमोट की जाती है। पर लेकिन फिर भी तो हिंदी जो है वो एशिया में सबसे ज्यादा कॉमन लैंग्वेज आप लोग बोल सकते हैं बोले जाने वाली है, मतलब इंडिया के अलावा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, मॉरिशस हो गया, फिजी हो गया, कई सारे ऐसे एरिया देखने को मिलेंगे, नेपाल हो गया, जहां पर हिंदी को काफी अच्छे से समझ लेते हैं लोग। तो इसीलिए यहां पर हिंदी को प्रमोट करने की बात की जाती है, एक कहीं ना कहीं एशिया में भी एक कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। तो ये भी आप लोग बात बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में एशिया को भी कनेक्ट किया जा सकते हैं अगर हिंदी को हम लोग मोस्ट कॉमन लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर चलते हैं। और हमारी कंट्री के लोग अलग अलग कंट्री में जाकर रह रहे हैं, आप लोगों को वो पता ही है, अंग्रेजों के टाइम पर अलग अलग पर्पज के लिए हमारे जो सिटीजन है अलग अलग कंट्री में ले जाए गए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात सामने निकल कर आती है कि हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं अलग अलग कंट्री को। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन लोग इसका अपोज करते हैं, कई सारे स्कॉलर इसका अपोज करते हुए नजर आते हैं। वो ये वो स्कॉलर है जो यहाँ पर जाते भी हैं कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो जो हिंदी कॉन्फ्रेंस होती है तो यहाँ पर बात ये की जाती है स्कॉलर्स के द्वारा कि देखिए ये एक मीटिंग पॉइंट बना लिया है, मतलब जो पुराने लोग हैं वो अपने ओल्ड फ्रेंड से यहाँ पर मिलने आते हैं, बात करते हैं और निकल लेते हैं, ये एक मीटिंग ओल्ड फ्रेंड प्लेस बना लिया है कि हाँ आओ वहां पर कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे, अपनी बात करेंगे और निकल लेंगे। तो ये जो सम्मेलन है जिस पर्पज के लिए कराया जाता है उस पर्पज पर कोई ज्यादा फोकस करता है नहीं। ये इसके अलावा कोई नए थॉट नहीं देखने को मिलते हैं, कैसे आगे लेकर चलना है, कोई नई अच्छी बातें नहीं करता है, वही पुरानी बातें चलती रहती है, फिर आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, और फिर जब दो तीन साल के बाद मिलते हैं फिर वहीं पर खड़े रहते हैं जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो कोई भी ऐसा इन्वेंशन यहां पर नहीं देखने को मिल रहा है कि कोई अच्छे से यहां पर फोकस किया जाए कि इसको हमको आगे लेकर चलना है। और तो और इलेक्शन का मुद्दा बनाने की भी कोशिश की जाती है कई बार यहां पर इस कॉन्फ्रेंस को कि हाँ हम हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं, तो जो नॉर्थ इंडिया है उन लोगों को लुभाने की कोशिश की जाती है इलेक्शन का नाम लेकर कि हाँ हम हिंदी को प्रमोट कर रहे थे वर्ल्ड हिंदी लैंग्वेज में। तो यहां तक भी मुद्दा बनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी लैंग्वेज का, ठीक है, कि किस तरीके से वर्ल्ड हिंदी हम लोग वर्ल्ड में हिंदी को लेकर चल रहे हैं, किस तरीके से कॉन्फ्रेंस है, यह भी मुद्दा कई बार देखने को मिलता है।
तो इस तरीके से अगर यहां पर अगर आप लोगों को बात बोली जाए तो सीधा सीधा ये है कि ये कहते हैं कि घुमा फिरा के कोई बात नहीं बोल रहे हैं कि सीधा सीधा जिस काम के लिए ये कॉन्फ्रेंस की जाती है उस काम के लिए ये पर्पज नहीं दिखा पा रही है, उसके लिए सक्सेसफुल नहीं है। तो इस तरीके के यहां पर अगेंस्ट वॉइस भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। देखिए आप लोगों को लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाती है और यहाँ पर भी मिल जाती है। सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर राज्यसभा की टीवी की न्यूज और भी कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए फायदेमंद हो सकती है। अगर आप लोगों को लगता है किसी भी एंगल से आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है तो इसका मतलब दूसरे लोगों को भी फायदा पहुंचाएंगी। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इनको शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि सबको फायदा हो जाए। ओके, तो मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।